हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंपलीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तो स्टूडेंट्स क्लास इलेवंथ हॉर्नबल बुक का चैप्टर नंबर थ्री है डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को आज यहाँ कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को तो क्वेश्चन है हमारे पास वाई डि टुट्स बॉडी हैव टू अंडर गो अ सिटी स्कैन की जो टुट्स की बॉडी थी उसको सिटी स्कैन के लिए क्यों लेकर जाया गया हाउ वॉज इट कैरीड आउट और उसको बाहर कैसे लाया गया एंड वट रिजल्ट डिड इट यील्ड और सिटी स्कैन का क्या रिजल्ट सामने आया तो आंसर है ही वॉज अ वेरी पॉपुलर किंग हुई एट अ वेरी यंग एज कि जो टूट था वो एक बहुत ही पॉपुलर राजा था और जिसकी कि बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी देर वॉज अ लॉट ऑफ रूमर अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ और बहुत सारी अफवाहें फैली उसकी लाइफ के बारे में और उसकी डेथ के बारे में ऐसा कहा गया कि शायद इसकी हत्या कर दी गई बेस्ड ऑन द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ़ टूट कुड नॉट बी सॉल्व्ड और जिस तरीके से जो पुरातत्व विभाग की जो पुरानी टेक्निक्स थी तो जब वो उसके ऊपर उसकी जाँच की गई तो उस टेक्निक्स के द्वारा जो उसकी लाइफ और जो उसकी डेथ की जो मिस्ट्री थी वो बिल्कुल भी हल नहीं हो पाई सॉल्व नहीं हो पाई और जिसकी वजह से जो उसकी जाँच थी वो फिर से आधी अधूरी रह गई और लोगों के बीच में क्योरिस बनी रही कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था हिज बॉडी वॉच एक्स रेज इन नाइनटीन सिक्सटी एट बट टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स फर्दर अब उसकी बॉडी के एक्स-रे किए गए नाइनटीन सिक्सटी एट में लेकिन फिर भी जो कॉम्प्लिकेट मैटर्स थे वो सामने रहे कुछ भी उसमें इतना अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया हिज बॉडी वॉच टेकन फॉर एसिटी स्कैन वेयर आर थ्री डी इमेज वॉज ऑप्टेंट अब उसकी बॉडी को सी टी स्कैन के लिए लेकर जाया गया जहाँ पर कि थ्री डी इमेज जो थी वो ऑप्टेंट की गई उसकी जो इमेजेस थी वो थ्री डी शेप में थी जहाँ पर आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हर एंगल देख सकते थे टूट्स बॉडी वॉज कैरीड देयर फ्रॉम His tomb in a box. अब जो टूट्स की बॉडी थी उसको एक उसके टूम से जो बाहर लेकर आया गया उसके मकबरे से जो उसको बाहर लाया गया वो एक बॉक्स था वुडन बॉक्स था जिसमें कि उसकी बॉडी को रखा हुआ था अ स्कैनर वॉजन इन अ ट्रेलर टू दैंडी एरिया नियर टूट्स मम्मी और उसके साथ जो स्कैनर था उसको भी एक ट्रेलर के ऊपर एक ट्रॉली के ऊपर लाया गया जो सैंडी एरिया था जहाँ पर कि टूट्स की मम्मी रखी गई थी तो जो रेतीला मैदान था वहाँ टूट्स की मम्मी को रखा गया और स्कैनर को एक ट्रॉली पर रखकर वहाँ लाया गया सिटी मशीन स्कैन द मम्मी क्रिएटिंग सेवनटीन हंड्रेड डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन और जो सिटी स्कैन था तो इसने जब इसकी इमेजेस निकाली तो सेवनटीन हंड्रेड इमेज थी जो कि इस सिटी स्कैन मशीन ने टूट्स की बॉडी की निकाली और लगभग हर एंगल को उसने कवर किया द सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड क्लियर इमेजेस ऑफ टूर्स हेड नेक हैंड स्कल वर्टिबे एंड रिप गैस अब जो सि स्कैन था उसने बहुत ही क्लियर इमेजेस दिया जिसमें कि टूर्स के सिर की इमेजेस थी उसकी गर्दन की थी उसके हाथों की थी उसकी खोपड़ी की थी और उसके साथ उसकी कोशिकाओं की थी और जो उसके लंग्स थे उसके रिप गैस थी पसलियाँ थी उसकी बहुत ही क्लियर इमेज इस सिटी स्कैन ने निकाल कर दी द रिजल्ट प्रूव्ड सेटिस्फैक्ट्री और जो रिजल्ट आए वो बहुत ही संतोषजनक थे अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी आर फुली एंगेज इन देयर टास्क टू अन द मिस्ट्री ऑफ राज लाइफ एंड डेथ अब जो एक टीम बनी जो स्पेशलिस्ट टीम थी रेडियोलॉजी की फॉरेंसिक की और एटानमी की वो पूरी तरह से ये जो राजा है इसकी लाइफ और इसकी डेथ के रहस्यों को सुलझाने में लगी हुई है और अभी भी इसके ऊपर जांच चलती रहती है और कोई संतोषजनक आंसर्स नहीं निकल कर आ पाए हैं तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वोचिंग स्टे कनेक्टेड थैंक यू